गुड मॉर्निंग चंडीगढ़। तो अभी हमें कसौली के इन पहाड़ियों पे, और आज का मौसम बहुत ही ठंडा है, और मैं अपने तीन दोस्तों राहुल, आशीष और नवीन के साथ आया हूँ। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कसौली का व्यू है। ये धर्मपुर से ऊपर को रास्ता जाता है। मैं इसको कसौली का व्यू नहीं, मैं इसको कहूँगा एक नया नाम दूंगा, वो है कि आरामदायक व्यू और शांति का व्यू। आज का दिन है संडे, तो मैं अपने दोस्तों के साथ आज आ पहुंचा हूं कसौली की इन पहाड़ियों पे। यहाँ दूर परे जैसे गायें चराने आते हैं बंदे, ये देखिए यहाँ पे जो गायें चरा रहे हैं। पहाड़ियों के एकदम शिखर पे हैं, यहाँ बहुत सारे चीड़ के पेड़ है, और चीड़ के पेड़ जो है ठंडे इलाकों में ही होते हैं। अभी हम पहाड़ी के शिखर पे हैं और मौसम देखिए पूरा ठंडा, घने बादल छाए हुए हैं, घने। उधर देखो उधर धूप आ रही है, और देखिए पहाड़ के उस पर ना थोड़ी थोड़ी धूप है। चीड़ के पेड़ से ही चीड़ का फल मार के चीड़ का फल तोड़ना है। यहाँ वो वाले पेड़ नहीं होते जो बारिश वाले होते। यहाँ पे तो ऐसी कोई जगह नहीं है ट्रैकिंग की, पर हमने खुद ही एक इन्वेंट की है। और यहाँ पे आज बारिश का मौसम तो बन रहा है, पर बारिश हो नहीं रही, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है जो कि हमारी जो थकान को है वो तोड़ देती है। पहाड़ों पे घूमने का एक अलग ही मज़ा है, हरा भरा मौसम है, बादल छाए हुए हैं, और जो ठंडा मौसम है चंडीगढ़ के मुकाबले, चंडीगढ़ में गर्मी बहुत है, तो कभी कभी हमें ट्रिप प्लान करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाना चाहिए, जो कि मेंटली और फिजिकली हमें रिलीफ देता है। हमने काफ़ी सारी बातें की, नेचर के बीच अपना वक्त बिताया, दोस्तों को जानना समझा, और इससे कनेक्ट भी बेहतर बनता है आपका नेचर के साथ और अपने दोस्तों के साथ। तो हमेशा घूमने निकल जाया करिए कुछ पैसे जुटा के, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कब तक चलेगी कब तक रहेगी, तो हमें हर पल को एंजॉय करना चाहिए। तो आज का संडे बहुत ही बेहतरीन रहा, हमने काफ़ी कुछ एंजॉय किया, हमने परौंठे भी खाए नीचे, और उसके बाद ऊपर हम घूमने आए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आसपास चारों तरफ चीड़ के बड़े बड़े पेड़ हैं, हरी हरी घास है, और ठंडा मौसम है। तो ये मौसम और ये नज़ारा जो है कभी कभी देखने को मिलता है, तो आप ज़रूर घूमा करिए। चंडीगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है ये, लगभग 60 किलोमीटर के अंदर ही ये जगह है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो अभी 23 डिग्री है, और यहाँ ठंडी हवा चल रही है, और पहाड़ी के हम शिखर पर थोड़ा और ऊपर आए हैं ट्रैकिंग करते करते, काफ़ी थके हुए हैं। ये पहाड़ी के उस पार का एरिया है जहाँ पर आप देख रहे हैं टीन वाले घर हैं। हिमाचल में ज़्यादातर घर इसी शेप के होते हैं जो कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल और रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं, और ये देखिए ये सामने छतों का व्यू है, वहाँ के घर लाल कलर के ज़्यादातर छतें होती हैं सोलन की। चलो चलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई जगह बताइए, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।